नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने हिंदी के टॉपिक को डिस्कस किया था। हिंदी के टॉपिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोगों ने सबसे पहले तो उच्चारण में या यूं कह लें हम लोग की अध्ययन में सुविधा के हिसाब से किया, फिर हम लोगों ने श्वास की मात्रा के हिसाब से किया। ढेर सारे वर्गीकरण हम लोगों ने कर लिए। आज जो है हम लोग उसी व्यंजन में थोड़ा सा और आगे चलेंगे, एक कदम और आगे चलेंगे, और उस एक कदम आगे चलने में हमें और भी जो दो चार महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो भी दो चार महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और अध्ययन मतलब ऐसा करेंगे कि जिससे हमें दोबारा हिंदी पढ़ने की ज़रूरत कहीं से ना पड़े, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने सारे व्यंजनों को देख लिया, ठीक है। आज आपको जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बतानी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। या हम लोग उसे क्या कहते हैं, विकसित स्वर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विकसित स्वर कहते हैं। तो ऐसे आप लोग ऊपर हेडिंग डालेंगे, विकसित स्वर, विकसित स्वर, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, विकसित स्वर है, इसके साथ जो है इसे हम लोग अनुस्वार भी कह सकते हैं, इसे हम लोग अनुनासिक भी कह सकते हैं, या अनुनासिक कह सकते हैं, या चंद्रबिंदु आप लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसे, चंद्रबिंदु कहते हैं, ठीक है। चंद्रबिंदु क्या कहते हैं इसे, चंद्रबिंदु। असल में जो इसका नाम होता है, जो इसका रियल नेम होता है, वो होता है अनुनासिक। क्या होता है, अनुनासिक, अनुनासिक। इसका जो वास्तविक नाम होता है वो क्या होता है, अनुनासिक। देखना हमारी बात समझना, जो ऐसे करके लगा होता है, जैसे आपको लिखना है दांत, ठीक है, तो आपने ऐसे करके लिख दिया दांत, ठीक है। आपको लिखना है आंत लिखना है मान लीजिए, ठीक है, तो आपने ऐसे करके लिख दिया। तो ये जो ऊपर लगता है इसको आप लोग चंद्रबिंदु बोलते हो, गलत है। चांद की जैसे तो हम लोग चंद्रबिंदु बोल देते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, एक गलत बात है। हमें हिंदी के छात्र होने के हिसाब से समझना चाहिए, इसे चंद्रबिंदु नहीं कहेंगे, इसे हम चंद्रबिंदु नहीं कहेंगे, ठीक है। इसे हमको कहना है अनुनासिक, इसे हमको क्या कहना है, अनुनासिक कहना है। अच्छा इसे अनुनासिक क्यों कहते हैं, जब आप इसे बोलते हो ना, जब आप इसे बोलते हो तो जो प्राणवायु होती है वो नाक से और मुंह से दोनों से निकल करके आती है। बोल करके देखें, दांत है ना, आप नाक बंद करके दांत बोलिए तो नाक बंद करके भी नहीं बोल पाएंगे, और मुंह बंद करके तो कोई सवाल ही नहीं कि आप दांत बोल ले जाएं, ठीक है। तो ये चीज है, ये उच्चारित होते समय कौन से आपके अनुनासिक, अनुनासिक या आपका चंद्रबिंदु उच्चारित होते समय नाक और मुंह से दोनों से हवा या प्राणवायु निकलती है, जिस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। आप कहेंगे सर विकसित स्वर भी लिखे हुए हैं, विकसित स्वर का क्या मतलब, तो ध्यान दीजिएगा, विकसित स्वर इसे हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि महर्षि पाणिनि महोदय ने इनके सिवा बाकी सारे स्वरों को बताया था, ठीक है। इनको हिंदी ने स्वयं विकसित किया है, इनको हिंदी ने स्वयं विकसित किया है, इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, विकसित स्वर कहते हैं। आप कहीं भी संस्कृत में ऐसा चिन्ह नहीं पाओगे, क्यों, संस्कृत हमारी मूल भाषा है, हमारी ही नहीं, ऐसा कहा जाता है संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो इसमें इन्होंने विकसित कर लिया, विकसित इन्होंने इसमें कर लिया, किसने, हिंदी ने इसको क्या कर लिया, अपने में विकसित कर लिया। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अनुनासिक कहते हैं, या क्या कहते हैं इन्हें हम लोग, विकसित स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग, विकसित स्वर कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग एक चीज समझ गए कि इसको हिंदी ने खुद में विकसित किया है, महर्षि पाणिनि ने इनके अलावा सभी स्वरों को बताया था लेकिन इनको नहीं बताया था, हिंदी ने स्वयं क्या किया है, इसको विकसित कर लिया है। इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकसित स्वर कहते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, विकसित स्वर कहते हैं। अच्छा एक और है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे, महेश्वरी सूत्र, ठीक है,
महेश्वरी सूत्र। महर्षि पड़नी महोदय के महेश्वरी सूत्र से ही लगभग सारे स्वरों को लिया गया है, लेकिन ये वहां से नहीं लिए गए हैं, इनको हिंदी ने स्वयं विकसित किया है। इस वजह से इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विकसित स्वर बोलते हैं। और आकार चांद के जैसे होने की वजह से इन लोग क्या बोल देते हैं, इन्हें हम लोग चंद्रबिंदु बोल देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। चंद्रबिंदु नहीं बोलना चाहिए। अगर आज से आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अनुनासिक बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, इन्हें विकसित स्वर बोलेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके। अब देखिएगा जो हमारा अगला टॉपिक है इसी के बाद, उसमें बोलेंगे ताड़न जात। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैंने डिस्कस भी किया था, लेकिन यहाँ एक बार हम लोग उस बात को फिर से देख लेंगे। क्योंकि अब लगभग ये आपके वर्ण विचार में जो व्यंजनों का वर्गीकरण है, आज इसको हम लोग खत्म कर लेंगे, बहुत तरीके से चीजों को खत्म करेंगे, और फिर जो है हो सकता है आज ही हम लोग संधि की शुरुआत कर ले जाएं। ठीक है, तो अगला जो हमारा मतलब एक तरह से हम लोग कह ले व्यंजन है, उसे हम बोलते हैं ताड़न जात। क्या बोलते हैं, ताड़न जात। क्या बोलते हैं, ताड़न जात। ध्यान देना, ताड़न जात को हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। आज हम इसको वर्णों को आधे करने के नियम बताएंगे कि कोई किसी भी वर्ण को अर्ध कैसे किया जाता है, किसी भी वर्ण को अर्ध कैसे किया जाता है, वर्णों को अर्ध करने के भी नियम आपको बताएंगे। अच्छा, एक चीज और है, इसे हम लोग द्विगुण व्यंजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, द्विगुण व्यंजन कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, अभी हम लोग समझेंगे इसको कि हम लोग इसे द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसको भी आप विकसित व्यंजन कह सकते हैं। वो विकसित स्वर था, ये क्या था, ये विकसित व्यंजन है। ये क्या है आपका, विकसित व्यंजन है। क्या है आपका, विकसित व्यंजन है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी चीजें जिनके लिए यूज की जा रही हैं, वो कौन है, वो दो लोग हैं सिर्फ। कौन कौन है, वो सिर्फ दो लोग हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अड़ा, और इसको बोलते हैं अढ़ा। ठीक है, क्या बोलते हैं, अढ़ा, और इसको बोलते हैं अड़ा। जैसे आपको लिखना है सड़क, ठीक है, तो आप यूज करेंगे इनका, ऐसे लिखेंगे, हो गया सड़क। ध्यान देना, अगर हम लोग इस बिंदी को नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा सड़क। क्या हो जाएगा, सड़क। इसीलिए यहां पर हम लोग एक बिंदी लगा देंगे। अब ये हो गया सड़क। क्या हो गया, सड़क। आपको लिखना है घोड़ा, आपको लिखना है क्या, घोड़ा, तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर यहाँ बिंदी नीचे नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा ये घोड़ा। क्या हो जाएगा, घोड़ा। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है कितनी तरीके से हम लोग व्यंजनों पर, स्वरों पर जो है बिंदी लगाते हैं, किस चिन्ह को क्या कहते हैं, वहां पर मैंने बताया था। इसको हम लोग ताड़न जात चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताड़न जात चिन्ह कहते हैं। बगल में लगता तो पंचमाक्षर चिन्ह लगता था, यहां पर लगता था तो नुक्ता कहते थे, ऊपर लगता था तो हम लोग क्या कहते थे, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या, अनुनासिक कहा जाता था। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस कर ली थी बहुत अच्छे से। ठीक, अब समझना, ये हो गया आपका घोड़ा। अच्छा, ध्यान देना, यहां पर अगर आपको लिखना है कढ़ाई, क्या लिखना है आपको, कढ़ाई, तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपने यहां पर बिंदी नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, ये कढ़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कढ़ाई। इसको क्या बोलते हैं, ढक्कन वाला ढा है। अगर आपने बिंदी नहीं लगाई तो कढ़ाई हो गया, और आपने जैसे ही बिंदी लगा दी, क्या हो गया, ये कढ़ाई। क्या हो गया, ये आपकी कढ़ाई हो गई। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये इस बात को अंतर ही नहीं समझ पाते हम लोग अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको लिखना आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे पढ़ाई। अगर ऐसे लिख दिया तो पढ़ाई हो गई। क्या हो गई, पढ़ाई। और हम लोग बिहारी बाबू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बिहारी बाबू हो जाएंगे, पढ़ाई 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 करके। ठीक है, तो ये अंतर समझिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताइए, इसको आप ऐसे भी करके यूज करते हैं, यानी ढा करके भी यूज करते हैं, इनको आप ढा कहकर भी यूज करते हैं। तो जब हम लोग दोनों परिस्थितियों में इनको यूज कर रहे हैं, एक साथ दो दो लोग दिख रहे हैं, एक साथ क्या है, दो दो लोग दिख रहे हैं, इसीलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्यों द्विगुण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि दो गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं, एक डा को भी और एक अढ़ा को भी, एक आपके ढा को भी और एक आपके अढ़ा को भी ये प्रदर्शित कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा है, एक चीज और समझिएगा,
ताड़न जात का मतलब क्या होता है? ताड़न जात और उच्छिप्त एक ही मतलब होता है। ताड़न जात का मतलब फेंका हुआ, उच्छिप्त का मतलब नीचे। ठीक है, अब देखो जब आप इसको बोलते हो सड़क सड़क, तो आपकी जो जुबान है ना ये ऊपर जाती है, सड़क झटके से नीचे आती है। आपकी जुबान ऊपर जाती है, झटके से नीचे आती है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ताड़न जात। और उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे व्यंजन ब्रैकेट में व्यंजन भी लिख लेंगे आप, ये और ये, ये और ये लिखेंगे दोनों, ऐसे व्यंजन जिनको जिनको उच्चारित करते समय, ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय जीभ जीभ झटके से नीचे आए, अर्थात अर्थात तालु को टच करके झटके से नीचे आ जाए, अर्थात तालु को टच करके झटके से नीचे आ जाए, ऐसे व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ऐसे व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अच्छा, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इन द्विगुण व्यंजनों को आधा नहीं किया जा सकता है, इन द्विगुण व्यंजनों को आधा नहीं किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप अगर हलंत लगा करके इनको आधा करना चाहेंगे तो सरासर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सरासर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है आधा नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आधा क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो हमारी बात समझना, जैसे अगर आपको मैंने कहा ढाको आप आधा करें तो अब तो आप बड़े आसानी से एक हलन लगा देंगे, आधा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आप ढाको आधा करें, आप हलन लगा दिए, ढा आधा हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा अढ़ा को आधा करें तो आप हलन कहाँ लगाओगे? नीचे लगाओगे। तो क्या एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं? आप कहोगे हाँ सर रह सकती हैं, अगर तलवार थोड़ी पतली हो और म्यान ज्यादा बड़ी हो तो एक म्यान में दो तलवार क्या चार पांच तलवार रह सकती है? नहीं, यहाँ पर एक म्यान में एक तलवार रहेगी, एक ही जगह पर। कभी भी हिंदी में दो चिन्ह नहीं लगा सकते हो आप, कभी भी एक ही जगह पर आप हिंदी में दो चिन्ह नहीं लगा सकते हो। भैया ये भी तो एक चिन्ह है, अगर आप हलन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत, क्योंकि एक ही जगह पर दो चिन्ह हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि सर जी क्या कभी आपने ऐसे देखा है सर्वोच्च, मतलब ऐसे करके देखे? मैंने लिखा सर्वोच्च, मैंने अगर लिख दिया सर्वोच्च, कहेंगे सर इसमें तो ये देखिए लग गया मात्रा। ध्यान देना, ये रा का रूप है, ये क्या है? रा का रूप है, और ये आप स्वर रहित कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो? इनको स्वर रहित कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग दो मात्राएं नहीं लगा सकते हैं। रा का रूप है जिनकी खोपड़ी पे चढ़ करके बोल रहा है, और ये हो जाएंगे आपके स्वर रहित। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग, अच्छा कभी ऐसे लिखा है, ऐसे देखा हुआ देखा है कि अब मात्रा भी लगी हो और नीचे भी कोई मात्रा लगी हो, ऐसे लिखा देखा है? नहीं देखा है ना, कि मतलब समझिएगा हमारी बात को, कि एक जगह पर दो मात्राएं हम नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। उच्छिप्त व्यंजनों में हम लोग एक जगह पर दो मात्राओं का प्रयोग नहीं करेंगे, एक जगह पर हम लोग दो मात्राओं का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। एक चीज और है, कभी भी द्विगुण व्यंजनों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती है। कभी भी द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ताड़न जात व्यंजनों से कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती है। इन्हें अर्ध भी नहीं किया जा सकता है, इन्हें सदैव हमें कैसा लिखना होगा? जैसे मूल रूप में है ये, इस तरह से हम लोग इन्हें क्या कहेंगे? ऐसे ही मूल रूप में रखेंगे। अच्छा, एक शब्द इनके साथ जुड़ा हुआ है, विकसित व्यंजन। असल में ये भी हमारे व्यंजनों में थे ही नहीं, इनको हिंदी ने खुद विकसित कर लिया। ये भी हमारे व्यंजनों में नहीं थे, इनको हिंदी ने क्या कर लिया? खुद विकसित कर लिया। इस वजह से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विकसित व्यंजन कहते हैं। इस वजह से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विकसित व्यंजन का नाम देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? विकसित व्यंजन का नाम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप नोट कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, इसको मिटाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, जैसे आपको कहीं लिखा मिला होगा डॉक्टर, कहीं लिखा हुआ मिला होगा आपको हॉस्पिटल, या कहीं भी आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा जहां पर आपने देखा होगा, जो इससे पहले हमने अनुनासिक पढ़ा था,
चांद बिंदी ऐसे लगी हुई होती थी, लेकिन इसमें चांद बिंदी नहीं लगी होगी, सिर्फ ऐसे रहेगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, डॉक्टर साहब ने दवाई ली, यानी डॉक्टर, तो ये ऊपर लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। आपको हॉस्पिटल लिखना है तो आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। आपको अगर ऑफ लिखना है तो आप ऐसे लगाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विदेशी स्वर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? विदेशी बोलते हैं, मेहमान स्वर बोलते हैं। क्यों आप समझिएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे विदेशी स्लैश मेहमान स्लैश मेहमान, ठीक है। विदेशी स्लैश मेहमान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ये समझना आपके लिए कि इसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं। इसे हम लोग विदेशी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेहमान बोलते हैं, या इसे हम लोग आगत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? आगत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? आगत स्वर बोलते हैं। अब समझना हमारी बात को, इसे हम लोग आगत स्वर बोलते ही क्यों हैं? ध्यान देना, ये शब्द जो है ये डायरेक्ट हमने कहां से ले लिया है? अंग्रेजी भाषा से ले लिया है। जब कभी किसी अंग्रेजी भाषा के शब्द को हिंदी भाषा में लिखना होता है, जब कभी किसी अंग्रेजी भाषा के शब्द को हिंदी भाषा में लिखना होता है, तो हम लोग आगत स्वर, मेहमान स्वर या विदेशी स्वर का प्रयोग करके जो है हिंदी भाषा में हम लोग इनका प्रयोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो ये हो गया आपका विदेशी, मेहमान और आगत स्वर। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, आपने कहा सर विदेशी आपने बता दिया स्वर है, तो क्या विदेशी व्यंजन भी है? बिल्कुल है सर विदेशी व्यंजन। जैसे आपने कहा कि स्वर हमको बता दिया, व्यंजन बताया ही नहीं, तो जैसे विदेशी स्वर, मेहमान स्वर या आगत स्वर है, वैसे आपके व्यंजन भी है। आप कहोगे सर व्यंजन कौन कौन से, जरा सा ये बताइए। तो भैया जितने भी नुक्ता वाले हैं आपके, जितने भी क्या हैं आपके, नुक्ता वाले हैं। नुक्ता वाले का मतलब क्या? जैसे आपने देखा होगा बोलते टाइम जो मतलब नुक्ता लगा देते, जैसे आपको बोलना है क, ठीक है, क हो गया, ख हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर एक बिंदी लगती है, इसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ग हो गया, ज हो गया, ठीक है, फ हो गया। तो इस तरह से जो लगते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विदेशी, मेहमान या आगत व्यंजन। तो आई इतनी बात समझ में? विदेशी स्वर जो ऊपर चांद बिंदी की तरह लगता है, विदेशी व्यंजन, ये सामने आपके रहे। जितने भी आपके नुक्ता वाले हैं ये अरबी फारसी के हैं, ठीक है, अरबी फारसी के हैं, और इन्हें जो है हम लोग क्या कहते हैं? जिह्वा मूल ध्वनि भी कहते हैं। जिह्वा मूल ध्वनि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग? जिह्वा मूल ध्वनि, ठीक है, ये अरबी फारसी के हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जिह्वा मूल ध्वनि। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्हें हम लोग विदेशी, मेहमान, आगत, जिह्वा मूल ध्वनि, ये सारे के सारे हम लोग इनको बोलते हैं। जितने भी क्या होते हैं आपके क, ख, ग, ज, फ, इन सारे के सारे स्वरों को हम लोग इसी तरह से उच्चारित करते हुए आगे चलते हैं, ठीक। तो इतनी बात हम लोगों ने कर ली बहुत ढंग से, बहुत तरीके से, कि हम लोग कैसे कैसे जो है किन किन चीजों को टैकल करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक कदम आगे चलेंगे, ठीक। अच्छा, अगर आप से कोई कहे कि वर्णों की संख्या कितनी है, क्या है, कैसी है, तो ये सारी बातें तो आप बता लेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई मात्रा के बारे में पूछे, है ना, मात्रा के बारे में पूछे, तो आप क्या बताएंगे? तो हेडिंग डाल लेंगे मात्रा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मात्रा, जो बचपन में आप पढ़ते थे, काप्या की मात्रा का माँ खाली काम, है ना, माँ खाली नहीं रहता था, माँ के साथ जरूर छोटा लगा हुआ होगा, तभी आप उसे बोल पाओगे, नहीं तो आप उसे बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आज हम लोग इसी भ्रम को दूर करेंगे, बहुत तरीके से पढ़ेंगे मात्राओं के विषय में, कि मात्राएं क्या है, कैसी चीज है, क्या होता है, इन सारे विषयों में, ठीक है। अब हमारी बात समझना आप लोग, जैसे मात्रा के बारे में हम लोग समझेंगे, मात्रा सदैव स्वर की होती है। एक बात तो आप गांठ बांध लें कि जो मात्रा होती है वो सदैव स्वर की ही होती है, स्वर के सिवा किन्हीं की मात्राएं होती ही नहीं है, स्वर के सिवा किसी की भी मात्रा होती ही नहीं है। इस बात को प्रूव भी करेंगे कि सिर्फ स्वर की मात्रा होती है और स्वरों पर ही लगती है, सिर्फ स्वर की मात्रा होती है और स्वरों पर ही मात्रा लगती है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी मात्राएं होती है। सबसे पहले हमको लिखना क्या है कि जो हमारा वर्ण है ये वर्ण, ठीक है,
और वर्ण की जो मात्रा होगी हमको ये लिखनी है। ठीक, तो जैसे हमने लिखा आ, ठीक है, अगर हमने आ लिख दिया, आप कहोगे सर इसकी कौन सी मात्रा होती है, फिर आप कहोगे बड़ा आ, ठीक है, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, रेड, ठीक है, ए आई ओ औ, इसको थोड़ा सा और इधर से लिखें ताकि पूरा जो है एक लाइन में आ जाए। ठीक, एक मिनट, इसको उधर से लिखते हैं तब आपको आ जाएगा एक लाइन में पूरा। ठीक है, यहां से लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं वर्ण और यहां होती है आपकी मात्रा। ठीक है, अब वर्ण में जैसे आ है, ठीक है, फिर बड़ा आ है, ठीक, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋण, ए, आए, ठीक, नीचे लिख देते हैं ओ और अव। ठीक है, अब ध्यान देना हमारी बात, अब थोड़ी सी बात हमारी ध्यान देना, समझना, ये जो आपका आ है ये होता है उदासीन। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो आप ये बताएंगे सर जो आपका आ होता है क्या होता है, उदासीन होता है। अगर आपसे कोई ये मात्रा पूछे तो एक शिरोरेखा खड़ी पाई, शिरोरेखा खड़ी पाई, छोटी ई की मात्रा पूछे शिरोरेखा खड़ी पाई और एक ऐसी मात्रा, बड़ी की मात्रा बोले तो शिरोरेखा खड़ी पाई और ये ऐसी मात्रा, छोटाऊ की मात्रा बोले तो ये ऐसे घूमेगा, बड़ाऊ की मात्रा बोले तो ये ऐसे घूमेगा, ऋण की मात्रा बोले तो ये नीचे लगेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऋण की मात्रा है नीचे ऐसे लगती है, बाकी तो आपको सबको पता ही होगा, ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर एक, आई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर दो, ओ की मात्रा जो है वो लगती कैसे है, एक शिरोरेखा और एक खड़ी पाई के ऊपर ऐसे, और औ की मात्रा शिरोरेखा खड़ी पाई के ऊपर दो लाइन ऐसे करके बना देते हैं। तो ये हो जाती है हमारी सारी की सारी मात्राएं, ये क्या होती है हमारी सारी की सारी मात्राएं। ठीक है, बेसिकली मुझे ये नहीं पढ़ाना था, बेसिकली मुझे ये नहीं पढ़ाना था, लेकिन इसको हम आपको बता दिए, चूंकि जब हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, उसमें आपको मात्राएं काउंट करनी रहेंगी, तो मात्राएं वहां पर हम काउंट कराएंगे, तो क्यों ना हम पहले से ही अपने आप को मजबूत करते हुए चलें, ताकि आप कोई भी वर्ण देखो आपको खटाक से पता चल जाए कि जो है कौन कौन सी मात्राएं होती है। ठीक है, अब हमारी जरा सी बात समझना, एक चीज समझना, इसमें हमें एक मात्रा और दो मात्राओं में डिवाइड कर देना है, यानी ह्रस्व और दीर्घ, क्या करना है हमें, इन्हें ह्रस्व और दीर्घ में इन मात्राओं को डिवाइड कर लेना है। ह्रस्व कौन कौन से होंगे, सारे के सारे छोटा लगा लो, ह्रस्व हो जाएंगे, मैं रेड पेन ले लूं तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ह्रस्व क्या हो जाएंगे, आपके सारे के सारे जितने छोटे वाले हैं आप सबको ले लो ह्रस्व, जैसे मैंने कहा सर छोटा आ, ठीक है, सर छोटी ई, ठीक, सर छोटा ऊ और रेड, इनकी एक मात्रा होती है, इनकी क्या होती है, एक मात्रा होती है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रस्व बोलते हैं। ध्यान देना, इनकी एक मात्रा होती है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रस्व बोलते हैं, इनकी क्या होती है, एक मात्रा होती है, इन्हें हम लोग ह्रस्व बोलते हैं, और बाकी के जो आपके बचे ये सारे के सारे दो मात्राओं वाले होते हैं। आपको कहे सर ये और ये तो एक मात्रा वाली होगी, जी नहीं सरकार, ये भी दोनों क्या होंगे, आपके दो दो मात्राओं वाले होंगे। तो इनके नीचे हम लोग ऐसे डाल लें, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इनके नीचे एक मात्रा वाले वर्ण, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम लोग एक मात्रा वाले वर्ण, एक मात्रा वाले वर्ण। देखो समझना, एक मात्रा मेरे कहने का मतलब है इन्हें बोलते समय, इन्हें उच्चारित करते समय एक मात्रा का सिर्फ समय लगता है, कितना समय लगता है, सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हम लोग इन्हें एक मात्रा वाले वर्ण बोलते हैं, क्योंकि इनको उच्चारित करते समय हमें कितना टाइम लगता है, सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा का ही टाइम लग जाता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एक मात्रा वाले वर्ण इन्हें हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग एक मात्रा वाले वर्णों को देखेंगे कि है क्या असल में। ठीक है, देखना, अब हमारी बात समझना, एक मात्रा वाले जितने हैं आ, ई, ऊ और ऋण, इनको हम ऐसे लिख लेंगे कि ये हैं आपके कौन कौन से, आ है, ठीक है, छोटी ई है, ठीक है, फिर क्या है आपके, छोटा ऊ है, और फिर क्या है आपके, ऋण। ठीक है, इन्हें हम लोग अगर शुद्ध रूप से बोले,
अगर इन्हें हम लोग शुद्ध रूप से बोलने की कोशिश करें तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे ह्रस्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन्हें हम लोग? ह्रस्व बोलेंगे। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? ह्रस्व बोलेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब देखो जितने के जितने बचे, यानी अब कितने हो जाएंगे? दो मात्राओं वाले वर्ण। इनके नीचे लिख लेंगे आप लोग, दो मात्राओं वाले वर्ण, दो मात्राओं वाले वर्ण, दो मात्राओं वाले वर्ण। अब देखो जहां दो मात्राओं की बात आई, तो दो मात्राओं में कौन कौन से थे आपके? दो मात्राओं में ये भैया, ये भैया, ये भैया, ये भैया, ये और ये। ठीक है, तो लिख ले यहां पर, ऐसे लिखेंगे आप, बड़ा आ लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? फिर यहाँ पर बड़ी ई लिखेंगे। ठीक, फिर लिखेंगे आप लोग यहाँ पर बड़ा ऊ लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप ओ लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? अव लिखेंगे। ठीक, ये हो गए आपके क्या? दो मात्राओं वाले वर्ण। और इन्हें अगर हम लोग शुद्ध रूप से बोलने की कोशिश करें, इन्हें अगर हम लोग शुद्ध रूप से बोलने की कोशिश करें तो इन्हें हम लोग बोलेंगे दीर्घ। क्या बोलेंगे इन्हें हम लोग? दीर्घ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन्हें हम लोग? दीर्घ बोलेंगे। इन्हें हम लोग बोलेंगे दीर्घ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ बोलेंगे। इतनी बात आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लें जरूर। फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे कि अगर इसकी ही मात्राएं होती हैं तो क्या होता है, क्या नहीं, हम लोग व्यंजनों को स्वर रहित कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब अर्ध व्यंजन कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। इनको नोट कर लें, फिर हम इनको मिटा देते हैं। ठीक, ओके। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम। व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम। व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम। व्यंजन को हम स्वर रहित कैसे करते हैं, उनके नियम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो व्यंजन होता है वो स्वर रहित कैसे होता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि व्यंजनों को हम स्वर रहित क्यों करते हैं। जब कभी हमें कहीं अर्ध व्यंजन की जरूरत पड़ती है या किसी ऐसे व्यंजन की जरूरत पड़ती है जो हमें मात्रा उच्चारित करते समय आधा समय ही लेना है, तो हम उसे क्या करते हैं? अर्ध व्यंजन कर देते हैं। जैसे नियम नंबर एक, व्यंजनों को स्वर रहित करने का नियम नंबर एक। ठीक है, नियम नंबर एक अगर आपको लिखना है तो समझना। सबसे पहले नियम नंबर एक क्या कहता है कि देखो भैया, ये होती है आपकी शिरोरेखा, ये होती है खड़ी पाई। ये क्या होती है? शिरोरेखा, ये होती है खड़ी पाई। ऐसे व्यंजन जिनका कुछ भाग इस खड़ी पाई के पार जाता है, इस खड़ी पाई के पार जाता है, उन्हें अर्ध करते समय खड़ी पाई के पार गए हुए भाग को आधा काट देते हैं। आधा क्या करते हैं? इन्हें हम लोग काट देते हैं। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम लोग क्या कर देते हैं? आधा जो है वो काट देते हैं। ठीक, इन्हें हम लोग क्या करते हैं? आधा काट देते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे कट गई। ठीक है, ये ऐसे ऐसे कट गए, तो इस तरह से बन गया आधा का, और क्या बन गया आपका? आधा फा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि हम करते क्या। मुझे पता है आपको ये पता है, लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है कि हम लोग इन्हें कैसे आधा करते हैं। ठीक है भैया, इनकी संख्या सिर्फ दो होती है। किनकी संख्या? नियम नंबर एक के तहत ऐसे वर्ण जिनकी शुरुआत खड़ी पाई के पहले हुई हो और वर्ण खत्म होते होते ये खड़ी पाई को लांग करके दूसरी तरफ चले गए हो, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनकी शुरुआत खड़ी पाई के पहले हुआ हो और जब तक व्यंजन आपका खत्म हो रहा हो ये क्या कर गया हो? खड़ी पाई को लांग गया हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कि ऐसे व्यंजनों को आधा करने के लिए जो खड़ी पाई के पार गया है, इस भाग को हम लोग क्या कर देते
देते हैं, काट देते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ दो होती है। कौन कौन से? एक का और एक कौन से होते हैं आपके? फा होते हैं। एक क्या होते हैं? का। और एक कौन से होते हैं आपके? फा होते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, हमको हिंदी में व्यंजन देखने को कितने प्रकार के मिलेंगे? एक तो ऐसा मिलेगा जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है और व्यंजन की शुरुआत खड़ी पाई के एक तरफ हुई हो और व्यंजन खत्म होते होते ये लांग करके दूसरी तरफ चला गया हो, एक तरह से ये व्यंजन मिलेगा। एक हमको ऐसा व्यंजन मिलेगा जो भी नियम नंबर दो में देखेंगे, जिसकी शुरुआत खड़ी पाई के पहले हुई हो और खत्म भी खड़ी पाई के पहले हो गया हो। जिनकी शुरुआत क्या हुआ हो? खड़ी पाई के पहले हुआ हो, खत्म भी खड़ी पाई के पहले हो गया हो। ठीक है। जिनकी शुरुआत खड़ी पाई के पहले हुआ हो और खत्म भी खड़ी पाई के पहले हो गया हो। ठीक है। ऐसे जो है हमारे जितने व्यंजन होते हैं जिनकी शुरुआत खड़ी पाई के पहले होती है और अंत भी खड़ी पाई के पहले या उस तक आते आते हो जाता है, ऐसे व्यंजन मिलेंगे। ठीक है। तो ये तो दो तरह से हो गए। एक और तरह से व्यंजन मिलेगा जिसमें खड़ी पाई नहीं होगी, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आपको देखना है डा देख लो, आपको देखना है ठा देख लो, इसमें कहीं भी खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। और हिंदी में हम सिर्फ तीन तरह से व्यंजन को लिखते हैं। एक तो खड़ी पाई का प्रयोग करके पहले शुरू होता है और बाद में खत्म होता है, दूसरा खड़ी पाई का प्रयोग करके पहले शुरू होता है पहले ही खत्म हो जाता है, और तीसरा जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग ही नहीं करते हैं। हिंदी में सिर्फ हम लोग तीन प्रकार के व्यंजनों को लिख सकते हैं, चौथा कोई प्रकार ही नहीं है हमारे व्यंजन को लिखने का। ठीक है। तो एक नियम तो आपने पढ़ लिया, नियम नंबर एक, कि जिन व्यंजनों की शुरुआत खड़ी पाई के पहले होती हो और उनका अंत खड़ी पाई के बाद होता हो, ऐसे व्यंजनों को आधा करने पर या आधा करने के लिए हम खड़ी पाई के पार गए हुए भाग को आधा काट देते हैं। ठीक है। आधा काट देते हैं। अब नियम नंबर दो देखिएगा। ठीक है। इसमें ऐसे व्यंजन को रखते हैं जिनकी शुरुआत खड़ी पाई के पहले तो हुआ हो और इनका अंत भी खड़ी पाई के पहले हो गया हो। ऐसे व्यंजन जिनकी शुरुआत खड़ी पाई के पहले हुई हो और अंत भी खड़ी पाई के बाद हो गया हो, जैसे आपको लिखना है गा लिख लो, ठीक है, आपको लिखना है खा लिख लो, ठीक, आपको क्या लिखना है, आपको मान लीजिए कुछ ऐसा लिखना है मा लिख लो, ठीक, आप लिख लो ना लिख लो, भा लिख लो, था लिख लो, ठीक है, गा खा मा ना भा, ठीक, कुछ भी लिख लो आप, और भी जो खड़ी पाई का प्रयोग करके होते हो, था हो गया, धा लिख लो, ठीक है, आप क्या लिख लो, धा हो गया, ना हो गया, कुछ भी, मतलब ये इनकी संख्या हिंदी में 22 होती है। इनकी संख्या जो है हिंदी में वो 22 होती है। अगर आप शुरू से जाएंगे तो घा भी हो जाता है, जा भी हो जाता है, चा भी हो जाता है, इनकी संख्या हिंदी में 22 होती है। अब देखो ऐसे व्यंजन जिनकी शुरुआत खड़ी पाई से पहले हुई हो और अंत भी खड़ी पाई के पहले हो गया हो, ऐसे व्यंजन जिनकी शुरुआत खड़ी पाई के पहले हुआ हो और अंत भी खड़ी पाई के पहले हो गया हो, इनको जब हम अर्ध करते हैं तो इसे खड़ी पैवे को हटा देते हैं, इनकी टांग ही तोड़ देते हैं। देखो भैया इनकी टांग तोड़ दिए, ये आधा गा बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, आधा गा, ठीक है। इनका अगर हमने ऐसे पैर हटा दिया तो इनका आधा खा बन गया, ठीक, मैंने इनका ऐसे पैर हटा दिया तो ये मा बन गया आधा, मैं इनका पैर हटा दिया तो इन क्या बन गए, ना हो गए, इनका हटा दिया तो ये भा हो गए, इनका हटा दिया तो था हो गए आधे, इनका हटा दिया धा हो गए, इनका हटा दिया तो क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके घा, ठीक है, इनका हटा दिया तो आधा ये जा हो गए, इनका हटा दिया तो क्या हो गया आपके चा हो गए, ठीक। तो इस तरह से हमारी बात को समझिएगा कि जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता हो, व्यंजन की शुरुआत खड़ी पाई के पहले होती हो, अंत भी पहले ही हो जाता है, उन व्यंजनों को आधा हम क्या करते हैं, आधा करने के लिए हम जो है जो खड़ी पाई होती है खड़ी पाई को ही हटा देते हैं, उस खड़ी पाई को ही हटा देते हैं, जिस वजह से हमारा व्यंजन क्या हो जाता है, हमारा व्यंजन अर्ध हो जाता है, हमारा व्यंजन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, अर्ध हो जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रूल, आप समझिएगा कि ये आई थिंक बहुत छोटी सी चीज है, आपको पता होगा, सारे लोगों को मुझे उम्मीद है जितने लोग वीडियो देख रहे हैं लगभग सारे लोगों की बातें पता होंगी, लेकिन नियम नहीं पता था, शायद नियम ये नहीं पता था, आज आप लोगों ने इस नियम को जाना है, नियम के तहत आप समझ गए कि क्या है। ठीक है। अब समझिएगा तीसरा, इनकी संख्या हिंदी में 22 होती है, नियम नंबर एक के तहत संख्या कितनी होती थी, दो होती थी। अब हम लोग देखते हैं तीसरा,
तीसरा जो है जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग ही नहीं हुआ, अब भैया उनको कैसे आधा करेंगे? अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया खड़ी पाई वाले, अब ऐसा तीसरा जो है जिसमें खड़ी पाई का ही प्रयोग ना हुआ हो उनको हम लोग क्या करेंगे? तो देखना ये बात, जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है, नंबर तीन, जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? नौ होती है। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? नौ होती है। आपसे कोई पूछे कौन कौन से होते हैं तो आप बता दो, जितना भी आपके मन में आ रहा है शुरू शुरू से शुरू करो कि सर इसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा ये जो इसको खड़ी पाई मत कहना, ये छोटा सा डंडा लगा उसको खड़ी पाई मत कहने लगना आप लोग, ये ठा है, ठीक है, ये आपका क्या है दा है, ये आपका ढा है, ये आपका रा है, ये आपका हा है, ठीक। और भी आप देख सकते हो जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ हो, ठा लिखा, धा लिखा, हाँ ठीक है, इसमें सब में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है, इनकी संख्या कितनी होती है? नौ होती है। रा को लेकर के इनकी संख्या जो है वो नौ होती है। टा हो गया, ठा हो गया, रा हो गया, दा हो गया, ढा हो गया, ऐसा सब करके इनकी संख्या नौ होती है। ध्यान देना, इनको जब हम लोग आधा करते हैं तो हम लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस नीचे हम लोग हलंत लगाते हुए चले जाते हैं, रा को छोड़ करके, रा को छोड़ करके बाकी सब में नीचे हम लोग हलंत लगाते हुए चले जाते हैं। ये अपवाद है, अभी इनको हम बताते हैं ये है क्या असल में, ये भैया बहुत काम की चीज है, ठीक है, अभी बताते हैं। तो रा को छोड़ करके बाकी जितने भी आते हैं नौ में से आठ, आठों के नीचे हम लोग हलन लगा करके इन सारे के सारे व्यंजनों को क्या कर देते हैं? हम स्वर रहित कर देते हैं। इन सारे के सारे व्यंजनों को हम क्या कर देते हैं? स्वर रहित कर देते हैं। बस नीचे एक हलन लगा करके सारे व्यंजनों को हम क्या कर देते हैं? स्वर रहित कर देते हैं, ठीक। आपको क्या सर रा कहाँ गया? तो रा अभी आएगा। रा को लिखने का हम तरीका बताएंगे, रा के रूपों को बताएंगे कि रा हम कैसे लिख सकते हैं। रा का चार नियम होगा, ठीक है, रा का चार नियम होगा, चारों बहुत अच्छे से आपको बताएंगे डिस्क्राइब करके। पहले इतनी चीज समझे कि हम लोग व्यंजनों को तीन तरह से अर्ध कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं कैसे, एक तो हम कर सकते हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग हुआ, व्यंजन खड़ी पाई के पहले शुरू हो रहा हो और बाद में खत्म हुआ हो, बाद वाले पार्ट को आधा काट दें तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे हमारे व्यंजन हो जाएंगे कौन से, जिन्हें हम लोग बहुत आराम से आधा कर लेते हैं। दूसरा हमारा व्यंजन था जिनकी शुरुआत खड़ी पाई से पहले हो रही हो, खत्म भी खड़ी पाई के पहले हो जा रहा हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं कि आधा करना है, खड़ी पाई हटा दो, वो हो गए आधे। तीसरे हमने देखा जिनमें खड़ी पाई का ही प्रयोग नहीं होता है, खड़ी पाई का प्रयोग ही नहीं होगा तो आधा करने के लिए हलंत 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 लगाते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो ये थे व्यंजनों को तीन तरह से आधे करने के नियम, बहुत बढ़िया से नियम थे। अब हमारा जो एक्सेप्शन अपवाद रा भैया है, इनको हम लोग देखेंगे। अच्छा आपने कितनी तरह से रा लगा हुआ देखा है? आपको के सर हम तो बहुत रा लगा हुआ देखे हैं, एक तो ऐसे रा लगा हुआ देखे हैं, सबसे फेमस वाला रा ये है, ठीक है, एक तो हम ऐसे लिखा हुआ रा देखे हैं कि नीचे लगा हुआ, जैसे प्रकाश लिखना हो, प्रदीप लिखना हो, है ना, एक आपने देखा होगा सर नीचे हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, ऐसे हम लोग रा को लिखते हैं ट्रक में, जैसे आपने यूज किया होगा, ठीक। तो एक दो और तीन, ठीक है, इस तरह से यूज हो गया है। लेकिन रा को हम लोग चार तरह से लिखते हैं, रा को हम लोग चार तरह से लिखते हैं, ठीक है। और ये रा हमारा, ध्यान देना, ये रा की मात्रा नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये भैया रा की मात्रा है तो ऐसा गलत है, ये रा की मात्रा ही नहीं है आपकी, ठीक है। ये है रा के तीन रूप। अभी हमने कहा कि सर रा के चार रूप होते हैं, तो एक रा खुद है, तो रा के कितने रूप होते हैं? चार रूपों में रा आपको देखने को मिल जाएगा, चार रूपों में आपको रा देखने को मिल जाएगा। इसे हम लोग, मतलब रा को हम लोग रेफ वर्ण कहते हैं, रा को हम लोग क्या कहते हैं? रेफ वर्ण कहते हैं, रा को हम लोग क्या कहते हैं? रेफ वर्ण कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रा को हम लोग क्या कहते हैं? रेफ वर्ण कहते हैं। तो आइए हम लोग जरा सा रा के सभी रूपों को पढ़ ले जरा सा, आज जो है आपको समझ में आएगा कि रा जो है इसका क्या चक्कर है, ये कहां देखो वहां रहता है, लेकिन कैसे रहता है ये चीज समझिएगा हमारी बात। सबसे पहले हमको समझना है कि रा का जो आपने सबसे पहला रूप देखा होगा कि अगर कहीं प्रदीप लिखा है तो ऐसे लिखा होता है, ठीक है, ऐसे लिखा होता है, ठीक।
अच्छा एक बात हमारी समझिएगा, जहां कहीं भी आपको शिरोरेखा से नीचे, कौन सी शिरोरेखा से नीचे ये मिल रहा है, इट मींस ये रा आधा नहीं है, ध्यान देना ये रा आधा नहीं है, ये जिस वर्ण पे लगा है वो वर्ण आधा हो गया, ये जिस वर्ण पे लग गया वो वर्ण आधा हो गया। जैसे अगर आपसे कोई कहे सर प्रदीप को तोड़ें, तोड़ने का मतलब इसको अलग अलग करें, तो आप आधा पा लिखेंगे, पूरा रा लिखेंगे और फिर आप ऐसे करके लिखेंगे, मतलब आधा पा है पूरा रा है, तब जाकर के क्या बना आपका प्रदीप बना। आपको प्रकाश लिखना है तो आप ऐसे करेंगे प्रकाश, ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका प्रकाश, यानी ये आधा पा है पूरा रा है और ये काश, ठीक है। अगर आपको क्या लिखना है, अगर आपको कुछ भी लिखना है जिसमें रा ऐसे नीचे लग रहा है, जैसे आपको क्रेन लिखना है, अगर आपको क्या लिखना है क्रेन लिखना है, मान लीजिए एक सपोज दैट मान लीजिए, ठीक है, तो ये आपका आधा का है, ये रा है और ये आपका हो गया क्रेन, क्या हो गया क्रेन हो गया। कुछ भी आपको लिखना है, कुछ भी आपको लिखना है जिसमें क्या आ रहा है ये रूप नीचे आ रहा है, तो जिनके पैर में पड़ेगा उनको क्या कर देगा, ये आधा कर देगा, जिनके भी पैर में पड़ेगा उनको क्या कर देगा, आधा कर देगा। आप कहेंगे सर मुझे एक बात बताइए कि ऐसा हिंदी में कितने वर्णों के साथ होता है, तो हम कहेंगे सर हिंदी में ऐसे 24 वर्णों के साथ आप इन्हें लिख सकते हो, ऐसा हिंदी में इन्हें 24 वर्णों के साथ आप लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे लिखेंगे कि यदि कोई खड़ी पाई, यदि कोई वर्ण जो है खड़ी पाई, यदि कोई वर्ण खड़ी पाई के नीचे होता है और उसमें इस प्रकार रा लग जाए तो वो वर्ण स्वयं आधा हो जाता है, ऐसे हिंदी में, 24 वर्णों के साथ होता है, ठीक है, ऐसे हिंदी में 24 वर्णों के साथ होता है। एक तो ये हो गया रूप आपका, ठीक है। अच्छा एक आपने देखा होगा कि सर जब हम कभी लिखते हैं ट्रक, जब हम क्या लिखते हैं, कभी हम लोग ट्रक लिखते हैं या कभी हम लोग ड्रम लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, ड्रम लिखते हैं, भैया रुक जाओ, क्या लिखते हैं, ड्रम लिखते हैं, तो क्या होता। अच्छा एक चीज समझना, ये ट्रक जो लिखा हुआ है ये ऐसे है ही नहीं, ट्रक जैसा आपको दिख रहा है ट्रक है ही नहीं ऐसा, पहले आपने आधा टा लिखा, उसके बाद इसमें रा लगा दिया, अब ये हो गया आपका क्या ट्रक, ये क्या हो गया आपका ट्रक, वैसे ही जैसे आपने ऐसे लिखा आधा ड्रा, फिर उसमें ऐसे लगा दिया और फिर इसको लिख दिया ड्रम। हमारी एक बात समझिएगा, मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था अर्ध करने के नियम, नियम नंबर 3 अगर आपको याद हो, उसमें हमारे 9 वर्ण थे, कितने वर्ण थे, 9 वर्ण थे, हम 8 ही के नीचे हलंत लगा रहे थे, 8 के नीचे ही हलंत लगा रहे थे। भैया क्यों 8 के नीचे हलंत लगा रहे थे, इसलिए 8 के नीचे हलंत लगा रहे थे जिन वर्णों को लिखते समय अंत में पेन हमें गोल गोल करना पड़े, उनके नीचे हलंत लगा करके ही उन्हें आधा कर सकते हैं, और उसमें रा भी था लेकिन रा को लिखते समय पेन हमें गोल नहीं करना पड़ रहा, इसलिए आप इसे आधा ऐसे नहीं लिखते हो, लिखने का तो छोड़ दो, जाने दो, लिखने वाले कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सही रूप है वो आधा रा आपको ऐसे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको पर्व आधा रा लिखना ही है तो आप ऐसे लिख सकते हो पर्व, ये हो गया आधा रा, अगर आपको आधा रा लिखना ही है तो आप इनके खोपड़ी पे चढ़ा करके रेफ वाला रा बना दो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधा रा बोलते हैं। तो दूसरा नियम आपने लिखा कि जब कभी किसी ऐसे वर्ण को लिखा जाता है जिनके नीचे पेन गोल गोल करना पड़े, तो ऐसे वर्णों को रा इस प्रकार लगाते हैं, आपको कहोगे सर हिंदी में इनकी संख्या कितनी है, तो वही 8, 8 ही तो ऐसे वर्ण है जिनको लिखते समय नीचे हम लोग गोल गोल करते हैं, रा को लिखते समय तो नीचे गोल होता नहीं है,
भाई रा को लिखते समय नीचे गोल होता नहीं है। हाँ इसमें एक हा भी होता है, हा जो है वो एक्सेप्शन में आता है। हाँ आप ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, आप ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, तो हा जो है वो अपवाद स्वरूप आता है। ठीक है, ये अलग बात है, हा के नीचे हलंत हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा आप समझना हमारी बात को कि इतनी बात आपने लिख ली, दो नियम लिख लिया। एक तीसरा नियम और है कि जब कभी आपको आधा रा लिखना होता है, जब कभी क्या करना होता है आपको आधा रा लिखना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग खड़ी पाई के ऊपर सिरोरेखा के ऊपर जो है रा को लिख करके उसे हम लोग अर्ध कर देते हैं। सिरोरेखा के ऊपर लिख करके उसे हम लोग क्या कर देते हैं, अर्ध कर देते हैं। सिरोरेखा के ऊपर लिख करके उसे हम लोग अर्ध कर देते हैं। कैसे करते हैं उस बात को हम लोग देखते हैं जरा सा, बहुत बढ़िया सा है, देखना समझिएगा। आप ऐसे डाल लेना, ऐसे लिखिएगा, इसे रे फॉला रा कहते हैं, इसे रे फॉला रा कहते हैं, इसे रे फॉला रा कहते हैं। यह रा स्वर रहित होता है, 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 यह रा स्वर रहित होता है। अर्थात जब हमें यह लिखना होता है, अर्थात जब हमें यह लिखना होता है तो शिरोरेखा के ऊपर, तो शिरोरेखा के ऊपर हम इसे, अर्थात जब हमें यह लिखना होता है तो हम इसे शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर लिखते हैं, शिरोरेखा के ऊपर लिखते हैं, और शिरोरेखा के ऊपर लिखते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, शिरोरेखा के ऊपर लिखते हैं, और शिरोरेखा के ऊपर लिखा हुआ रा, शिरोरेखा के ऊपर लिखा हुआ रा, या कोई भी स्वर आधा होता है, और शिरोरेखा के नीचे रा के सभी रूप जिस वर्ण पर लगे होते हैं उन्हें आधा करते हैं, जिस वर्ण पर लगे होते हैं उन्हें आधा करते हैं। मतलब अगर शिरोरेखा के ऊपर है तो रा आधा है, और अगर शिरोरेखा के नीचे लगा हुआ है तो जिस वर्ण पे लगा है वो वर्ण क्या हो जाएगा, वो वर्ण क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। जिसके भी ये नीचे लगे हुए होते हैं उस वर्ण को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, और जिस वर्ण के ये ऊपर लगे हुए होते हैं उनको क्या कर देते हैं, वो वर्ण आपके क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। जैसे आपने कहा सर बता दीजिए कुछ एक दो एग्जाम्पल तो लिखेंगे आप लोग, पर्व, ठीक है आप लोग लिखेंगे धर्म, ठीक है क्या लिखेंगे आप लोग, धर्म लिखेंगे आप लोग, पर्व लिखेंगे, ठीक ये सारी चीजें। अच्छा एक बात और है, हम आपको पढ़ाएंगे शब्दकोश में हिंदी शब्दों को कैसे देखें। इंग्लिश शब्दों को तो आप बड़े आराम से देख लेते हैं, हिंदी शब्दों में जो है अगर आपको कोई कह दे शब्दकोश में इन शब्दों को देखें तो शायद आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई, थोड़ी बहुत कठिनाई का तो सामना करना ही पड़ेगा। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग पहले संधि पढ़ लेंगे, समास पढ़ लेंगे, संधि समास के बाद हम आपको बताएंगे कि हिंदी की जो डिक्शनरी होती है, शब्दकोश होता है, उस शब्दकोश में आपके शब्दों को हम लोग खोजें कैसे, किस प्रकार से शब्दों को देखें ताकि आपको देखने में बड़ी आसानी हो। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। वर्ण विचार में जो हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण था, व्यंजन से संबंधित जितनी भी चीजें थी सब हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से खत्म किया। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको पोस्टर दिखा दे रहा हूँ, खासकर बीएड वाले भी देख लें इसको, हिंदी भी जिन्हें स्पेशल पढ़नी है वो भी देख लें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको ये चीज ध्यान रखिएगा, इतनी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, संधि भी पढ़ेंगे, इसी तरह से समास भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है, तो तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो आता है, फिर तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, थैंक यू।